में ना क्या चार दिन दिन चार दिन एक आधा दिन होता है, चार दिन के बराबर सॉरी सॉरी क्या चार दिन के बराबर रात होती है, चार दिन के बराबर मैं तो कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रही है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसा आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मौसी जी के घर पे हूँ। मम्मी है किचन में, मेरी मौसी जी की मदद करवानी है। आज मेरी मौसी जी ने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, लेकिन मैं इतनी खुश नहीं हूँ, मतलब खुश हूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी पसंद है। मुझे क्या, मेरी मम्मी को भी नहीं है इतनी पसंद, इसे भी नहीं है इतनी पसंद कनिका को, और मेरी दीदी को, मुझे मेरी दीदी जी को भी नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, नहीं तो हम कह भी थे, लेकिन पहले से तैयारी हो रही थी। मौसी जी हमको तो खानी पड़ेगी। मैं तो खाऊंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पनीर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और पनीर के साथ मटर भी पसंद नहीं है। मैं पनीर भी नहीं खाऊंगी, मटर भी नहीं खाऊंगी, फिर उसका पानी 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 तो मैं पी लूँगी चावल के साथ। पानी पानी जो मटर पनीर का पानी होता है ना, वो खा लेंगे हम चावल के साथ। हाँ रोटी के साथ? हाँ आप तो रोटी के साथ खाओगी ना, इसके बोलते नज़ला हो रहा है, इसलिए इसका सारी चीज़ का परहेज बन रहा है। लेकिन मौसी जी ने क्या कहा था, जी ने कहा था कि हमारे घर कोई परहेज नहीं होने का। जब भी तो कनिका ने सुबह पास्ता खा लिया, नहीं तो बेचारी कनिका फिर बहुत नज़ला हो रहा है, कुछ नहीं खा सकती है। सिर्फ कल भी रात दाल रोटी खाई थी इसने, देखते हैं मम्मी क्या करती है। ये रही मेरे मम्मी जी। मम्मी आप क्या कर रही हो? मैं चावल डाल रही हूँ। चावल डाल के खाना लगानी है। ये मेरी मौसी जी जो आटा गूंद रही है, रोटी बनेगी इसकी। ये रही कनिका, ये रही मेरी दीदी जी, सारे किचन में है। और ये रहा सलाद, गर्मियों में सलाद। हाँ, और वो मिर्च, और आज की छुट्टी जो पड़े हैं बनाई है मौसी जी ने, मटर पनीर की सब्जी, चावल, रायता, रोटी बन रही है, सलाद है। मुझे इनमें से कुछ नहीं पता। हाँ ये कहें, अगर आप कल का व्लॉग ना, मतलब आज मैं जा रही हूँ ऊपर, ऊपर अभी पेंट हो रहा है। अभी मेरे मौसी जी का नया नया घर बना है, तो ऊपर अभी पेंट चल रहा है। देखो ऊपर की डेकोरेशन बहुत अच्छी है, ऊपर अभी पेंट चल रहा है। ये इधर की साइड है और इधर किचन है, ये भी दो रूम्स हैं। सबसे ऊपर भी मैं आपको जाके दिखाती हूँ। हाथ पकड़ ली मौसी जी। हाँ दोनों के दोनों बड़ी बड़ी स्लीपर्स पहन रहे। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। चलो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। इतना यहीं रहना, मैं भी आ रही हूँ, इतना आप यहीं रहना। धूप निकल रही है, ठंड मतलब सर्दी तो है लेकिन धूप निकल रही है। ऊपर सबसे ज़्यादा मन लग रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा धूप में। व्यू, यहाँ का व्यू ऐसे तो हमारे ऊपर से भी ऐसा ही आता है। और यहाँ एक खाली मैदान है, और एक खाली मैदान नहीं, इस मैदान पे को रेल की पटरी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो है। हाँ शायद नहीं, गलत फहमी है, वो जो रोड़ी रखी है ना वहाँ पर, उनसे लग रहा था, और ये जो लाइन लग रही है इनसे लग रहा था। लेकिन वहाँ जाकर थोड़ी ना रुकेगी रेल, और वहाँ से थोड़ी ना आएगी, वहाँ तो कच्चा रास्ता है। लग रहा था रेल की है लेकिन है नहीं, और मुझे लग रहा है कि ये रेल के लिए ही बनी होगी,
ऐसे ही लग रहा है। मैं तो नीचे ही चली गई। पर बंदर का बहुत डर रहता है। अब फिलहाल यहाँ पर बंदर नहीं है। अगर बंदर होते यहाँ पर तो यहाँ पर कपड़े नहीं सूखे होते। मम्मी के कपड़े सूख रहे हैं। बंदर नहीं है लेकिन पहले थे। फिर भी डर तो बैठ ही रहा है मुझे। लेकिन कल भी हमने सुखाए थे जब भी नहीं ले गए थे। बंदर है नहीं लेकिन डर लग रहा है। वैसे भी ऊपर ऊपर क्या करूँगी मैं, नीचे ही चलती हूँ। क्या कोरियन लैंग्वेज में को बाप कहते हैं? मुझे तो पता नहीं, आपको पता है? पापा को बाप कहते हैं और कोरियन में खाने को बाप कहते हैं। कनिका कह रही है कि कोरियन में खाने को कहते हैं बाप और हिंदी में क्या? हिंदी में पापा को कहते हैं बाप। हाँ ये कह रही है हिंदी में पापा को बाप कहते हैं और कोरियन में खाने को बाप कहते हैं। अब मुझे तो पता नहीं, इतने पता नहीं कहाँ से सुना है। कहाँ से सुना है? यूट्यूब से। शॉर्ट्स देख रही होगी जब सुना होगा। वैसे तो आप चाहिए देख नहीं सकती क्योंकि इसके चश्मा लग रहा है। टीवी देख लेती है, मोबाइल नहीं देखते, टीवी देख लेते हैं। वैसे टीवी में यूट्यूब चल जाता है तो टीवी में ही देखा होगा इसने यूट्यूब। यहाँ टीवी नहीं है ना ऐसा, तो ये फ़ोन नहीं देखती बेचारी, ऐसे ही रहती है। और मुझे कहती रहती है कि मेरे साथ खेलो खेलो खेलो। 3 hours later लाओ। क्या कर रही हो आप? अभी हो चुका है रात होने को हो रही है, शाम का वक्त हो चुका है। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, 1 घंटे बाद रात हो जाएगी। फिर हम अब जाने की तैयारी में है। मैं बोल रही थी 1-2 घंटा रहेंगे हम, 1-2 घंटा दोबारा से अपने मामा जी के पास जाएंगे। फिर वहाँ से स्लीपर बस फिर से बुक कर रखी है, फिर 10 बजे की है, फिर स्लीपर बस आएंगे। तो ये सफ़र होगा, जाके मिलेंगे जब हम मामा जी के पास जाएंगे। 1 hour later आ जाओ। मेरी मम्मी जी है, रात हो चुकी है, निकलने की तैयारी है हमारी। मेरी मौसी जी की छंड है, खाने की तैयारी कर रही हूँ। बन गए ना? खाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बहुत मन है। क्या खाना हमें नहीं खाना, जो तैयारी कर रही है ना, हमें हॉस्पिटल में लेकर जाना है इसकी मामी जी और मामा जी के लिए। हाँ। क्योंकि उनसे हमें मिलकर तब जाना है घर पे। हाँ। और मुझे इस ब्लॉग में एक बात का बहुत दुख है, मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल नहीं दिखा पाई। सोचती कि दिखाऊँ लेकिन उस टाइम पे सो रहे थे। और जब दिखाऊँ मतलब जब थे वे रेडी, जब हमारा मौसी का बेटा तो दिखा देते। मौसी का बेटा, ये मेरे मौसी का बेटा सक्षम दिखा रही। कौन कौन है? ये रही मम्मी, ये रही मेरी दीदी जी, ये मेरी मौसी का लड़का है, सक्षम नाम है, और वो मेरी मौसी जी। और ये रही लड्डू। लड्डू क्या कर रही हो? लड्डू क्या कर रही हो? गेम खेल रहे हो? वो तो गेम ही कह रही है ना, गेम खेल रही यूट्यूब देख रही है, लेकिन वो ये कह रही थी कि गेम खेल रही हूँ मैं। अंदर देखते हैं, कनिका है अंदर। कनिका आप क्या कर रहे हो? मैं ना कुछ ढूंढ, मैं ना हेयर क्लिप ढूंढ। अच्छा टॉफी ढूंढ रही हो? नहीं हेयर क्लिप, टॉफी ढूंढ रही हो? नहीं टॉफी ढूंढते ये टॉफी मिल गई। लड्डू की है ये? हाँ। आपके पापा ने मना करी लेकिन एक मेरी और आपके आधा करके खाने। लेकिन अभी नहीं, बस मैं। आपके पापा ने कहा था?
ना खानी था तो फिर बिना परमिशन के कर रही हो आप ये काम। टॉफी खा रही है लड्डू, ये कह रही थी बस में खाएंगे टॉफी आधा आधा करके। आपने कौन से में से निकाला था, आपको याद है क्या? इसमें से निकाला था अम्मी। ना रख के छोड़ दी फोन पे, घुटना नहीं रखा मैंने, घुटना नहीं रखा, पंजे रखा वहां पे। तू आई हो तो दिखाने जा रही तू भी, सो वो ले गई पागल। पता नहीं क्या बता रही, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और मुझे सबसे गंदी लग रही है। मतलब ये अच्छा है जो मैंने पहन रखा है, लेकिन ये जो इसके नीचे दिख रहा है। सो एवरीवन, अभी हमने खाना ले लिया, जाने की तैयारी है। इसका व्लॉग हम दूसरा बनाएंगे। सो एवरीवन, व्लॉग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।